हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8:30 बजे और आज मैं थोड़ा एक्साइटेड भी हूँ, थोड़ा नर्वस भी हूँ। एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि आज मेरा पहला दिन है जो कि मैं अटेंड करने वाला हूँ इटालियन लैंग्वेज कोर्स, और थोड़ा नर्वस इसलिए क्योंकि जो क्लास मैं अटेंड करने वाला हूँ वो पिछले 15 दिन से चल रहा है और मैंने सारी क्लासेस मिस कर दी हैं। Provate a vedere se ricordate queste parole. Try to remember. Sugali? No, sorry, I pressed on the button by mistake. Ah, okay. So you don't know Gali. No, you don't know Gali. Okay. Gali is no, Julio Iglesias. फ्रेंड्स, अभी 11:30 हो रहा है और हमारी क्लासेस फिनिश हो गई हैं और यकीन मानिए मुझे कुछ नहीं समझ में आया। बस जितनी क्लासेस चली है मेरे को मुश्किल से 10% समझ में आया है। लाइक ऊना ऊनी, लाइक मैस्कुलिन फेमिनिन जेंडर्स होते हैं ना, तो ऊना ऊनी मतलब कि ए लगा हो तो ऊना होता है, लास्ट में ओ तो ऊनी हो, तो ये चीज़ समझ में आई है। बाकी कुछ चीज़ें मेरे को समझ में जो इंडिया से रिलेटेड थे, मतलब ये अच्छा लगा कि यहाँ यूरोप में भी लाइक इंडियन सिटीज़ के नाम मेघालय यूज़ हो रहा था, तो लाइक उन्हें सबको गेस करना था विच कंट्री के सिटीज़ हैं। मेघालय था, न्यू दिल्ली था, देन उत्तर प्रदेश भी था, तो ये तीन जो सिटीज़ है ये मेरे को समझ में आ गया। फटाफट में हाथ उठा के बताया कि इंडिया 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 ये तीनों चीज़ें बताया। फिर सभी मैं नहा कर रेडी हो गया हूँ और अभी चलते हैं स्मूदी बनाते हैं। और आज स्मूदी में मैं दो फ्रूट्स यूज़ कर रहा हूँ, पहला तो ये रहा कीवी और दूसरा रहा ये एप्पल। और ड्राई फ्रूट्स में मेरे पास है ये अखरोट है, बादाम है और किशमिश है और काजू है। और ये दो स्लाइस हैं जौ के, जो हम नॉर्मली जौ यूज़ करते हैं ना उसी को बिस्किट के साइज़ में मतलब यहाँ पर बना दिया गया है। इसमें कोई मीठा नहीं होता, कोई सॉल्टी कुछ नहीं होता, जस्ट आटे को वो कर दिया जाता है। तो और साथ में ये हम मिल्क यूज़ करेंगे, ये रहा हमारा मिल्क। तो चलिए फटाफट यूज़ करते हैं, दो पार्ट में आज हम बनाएंगे। सबसे पहले डालेंगे ड्राई फ्रूट्स, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स कई बार किशमिश वगैरह ना फ्रूट्स डाल देने के बाद क्या होता है वो पीस नहीं पाता है। तो सबसे पहले डालेंगे ये ड्राई फ्रूट, उसके बाद फ्रूट्स को डालेंगे लास्ट में। और इसमें थोड़ा सा मिल्क भी ऐड कर देंगे ताकि ये प्रॉपरली स्मूथ हो जाए। थोड़ा ही डालेंगे और इसको आई थिंक अब ये जो ड्राई फ्रूट्स थे ड्राई फ्रूट्स पूरा पीस कर स्मूथ हो गए हैं। अब इसमें हम फ्रूट्स को ऐड करते हैं। सो कीवी, अब इसको इसमें थोड़ा और मिल्क ऐड करते हैं। ये इतने एप्पल एक्स्ट्रा हैं तो मैं ऐसे ही खा लूँगा। अब चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली ये हमारा स्मूदी रेडी हो गया, जस्ट इसका लीड निकाल देते हैं। अब इसे अभी हमारा बॉटल में कन्वर्ट हो गया।
ऐसे पिएंगे। और आज हमें अपना शेड्यूल बनाना है, लाइक टाइम टेबल क्रिएट करना है, क्योंकि टाइम बीच बीच में होता है ना कि एक टास्क के बाद दूसरे टास्क परफॉर्म करने के बीच में 25 मिनट 20 मिनट 15 मिनट ऐसा ऐसा जब निकलता है ना, जब पूरे दिन का इकट्ठा करते हैं तो हमारा 2 घंटे 2.5 घंटे निकल जाते हैं, तो वो मैनेज करना बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। और आज से मैं सोने का और उठने का भी शेड्यूल फॉलो करने वाला हूँ कि रात में मैं कोशिश करूँगा लगभग 11:30-11 बजे तक मैं सो जाऊँ और मॉर्निंग में 6 बजे तक उठ जाऊँ, 6 बजे या उससे पहले, लाइक थोड़ा मॉर्निंग वॉक वॉक करके फिर लाइक नहा कर ये जूस वगैरह स्मूदी वगैरह पी कर फिर मैं थोड़ा बहुत रिवाइज़ कर लूँ जो मॉर्निंग में हमारी लैंग्वेज कोर्सेज होती है। फ्रेंड अब जाके मेरा दिमाग थोड़ा रिलैक्स है क्योंकि एक दिन में मैंने ऑलमोस्ट 3 चैप्टर्स कम्प्लीट कर दिया है, मतलब 2 चैप्टर खत्म हो गया है, तीसरे चैप्टर ऑलरेडी होम है और 50% तीसरा चैप्टर भी खत्म हो गया है। और दो कुछ असेसमेंट्स थे जो कि मुझे भेजने थे, तो असेसमेंट में वही सारी चीज़ें थी लाइक फॉर्म रजिस्ट्रेशन कैसे होते हैं, क्या क्या चीज़ें, विजन मिशन, इन सब चीज़ों से रिलेटेड थे जो कि ऑलरेडी मैं इन चीज़ों पर वर्क कर रहा था, एक्चुअल मैं वर्क कर रहा था इंडिया में था, तो वो चीज़ें पता थी, तो वो फटाफट मैंने वो कर दिया है। तो अब थोड़ा सा लग रहा है ना कि बोल थोड़ा सा कम हुआ है, बाकी एक सब्जेक्ट का तो सही लग रहा है मेरे को, सब कुछ ईजिली समझ में आ जा रहा है, बाकी और सब्जेक्ट्स हैं उनका देखता हूँ। तो चलिए थोड़ी देर और ये पढ़ता हूँ, उसके बाद बैठ कर मैं थोड़ा सा एडिटिंग कर लूँगा। अब मज़ा आ रहा है थोड़ा, अब लग रहा है ना कि मैं मतलब वो चीज़ अचीव कर सकता हूँ, जो प्रेशर है ना अब कम हो रहा, तो ऐसे ही अगर प्रेशर रहा बाकी सब्जेक्ट भी ऐसे समझ में आते रहे तो सब चीज़ कवर हो जाएगा। फ्रेंड्स भी हमारा टाइम टेबल भी बन गया, स्टडी भी प्रॉपर हो गई है, सो अब जाके दिल को तसल्ली मिली है। चलिए अब फटाफट कुकिंग करते हैं और कुकिंग करके डिनर वगैरह करते हैं, उसके बाद डिनर करने के बाद थोड़ा बहुत जो हमने स्टडी करी है ना उसके नोट्स हमने बनाए हैं उसे एक बार रिवाइज़ कर लेंगे। और एक चीज़ बच गया है जो कि इटालियन लैंग्वेज कोर्स मॉर्निंग हुई थी, उसके कुछ होमवर्क्स मिले हुए, लाइक वो कुछ एक्सरसाइज हैं वो करके जाना है कल, लाइक वो प्रेजेंट करना है, तो वो करने में मैक्सिमम 35-40 मिनट्स लगेंगे। तो चलिए फटाफट कुकिंग करते हैं, उसके बाद सारी चीज़ें करके फटाफट सो जाते हैं। फ्रेंड्स अभी हमारा डिनर रेडी हो गया और ये रहा हमारा डिनर, तो चलिए फटाफट इसे फिनिश करते हैं और ऊपर चल के अपना काम करते हैं, क्योंकि टाइम बहुत सेव करना, एक एक मिनट का मतलब हिसाब रखना है, तब जाके ये चीज़ कुछ सक्सेस हो पाऊँगा, अदरवाइज़ फिर डमाडोल हो जाएगा। फ्रेंड्स अभी डिनर हो गया और जो भी हमें रिवाइज़ करना था वो सब कुछ हमने रिवाइज़ कर लिया, बस एक लास्ट काम बच गया है जो कि लैंग्वेज कोर्स का जो होमवर्क मिला हुआ है वो कर लेते हैं। अराउंड 30 मिनट्स और लगने वाले हैं, 30-35 मिनट्स, क्योंकि 2 ही एक्सरसाइज सिर्फ हैं जो कि करना है, ऊना वाला जो मस्कुलिन और फेमिनिन वाला जो बताया था उन्होंने ना, कुछ वर्ड्स हैं जिसके सामने हमें लिखना है कि ऊना है या उन है, तो उसके अकॉर्डिंग ही कर, तो इजी है क्योंकि मुझे एक ही चीज़ समझ में आया आज क्लास में और होमवर्क में भी वही मिला। चलिए करते हैं और उसके बाद सोने चलेंगे। फ्रेंड्स अभी रात के 11:30 बज गए हैं और अभी मेरा सारा टास्क हो गया, सब कुछ होमवर्क वगैरह हो गया, मतलब बिल्कुल फ्री हूँ, तो अभी चलिए सोते हैं और इस ब्लॉग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।